केमिस्ट्री पे कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक आइकॉन मिलेगा, उस पे क्लिक करके जितने भी क्वेश्चंस मिला आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए उसी कड़ी में एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ए मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 60% ऑफ मेटल, देन व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट मेटल। ऑप्शन दिया है 12, 60, 40 और 24। तो आइए देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशन या फिर रिएक्शन, याद रखिएगा कॉम्बिनेशन या रिएक्शन, जैसे मान लीजिए मेटल ऑक्साइड है, मान लीजिए लिखा हुआ मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड जब बने होंगे तो वो किसी संविधान का फॉलो कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि मेटल किसी और रेशियो में, ऑक्साइड किसी और रेशियो में ये आके जुड़ गए, नहीं, मेटल और ऑक्सीजन का एक कोई न कोई संविधान होगा जिसके तहत दोनों मिलकर के मेटल ऑक्साइड बनाए हैं। तो उस संविधान का नाम है ग्राम इक्विवेलेंट का संविधान। ये क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट का संविधान? हम जानते हैं कि अगर मेटल ऑक्साइड है तो यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जब कंबाइन हुए होंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये जरूर रहा होगा, यही संविधान है बच्चों। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा? ग्राम ऑफ मेटल, ग्राम का मतलब क्या हुआ? वेट ऑफ द मेटल, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ ग्राम ऑफ द मेटल, इससे ये होगा कि आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। ग्राम ऑफ द मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल, और यही निकालना भी है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन, ग्राम का मतलब वेट, तो ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, यहाँ दे रहा है 60% मेटल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 60 ग्राम मेटल होगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ये है आपका EM, मान लीजिए ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अगर 60% मेटल है तो कितने परसेंट ऑक्सीजन होगा? 40, तो वो 40 ग्राम हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या था? 8 होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ से देखिए आपका निकल गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 8 × 5 = 40 हो गया, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया आपका 12। तो कौन सा आंसर सही है? ए जो आपका सही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।